दी ऑफ क्लास फिजिक्स ठीक है अगली वीडियो के अंदर बच्चों हम इसी गैस पेपर के जो नोमरिकल्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे तो क्योंकि ये ही नोमेरिकल्स आपके एग्जाम का हिस्सा बनते हैं और ज्यादातर उसी तरह के नोमेरिकल सेम आते हैं सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाती है तो लिहाजा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह शह को भी डिस्कस करेंगे तो बच्चों शुरू करते हैं एम सी क्यों को तो बताइएगा जी फिजिकल बैलेंस किस लिए यूज किया जाता है फिजिकल बैलेंस जो कि एक सब्जी वाले के पास होता है गोश वाले के पास होता है वो क्या करता है वो उसे उसका मास जो है वो मेजर करता है ठीक है एवरेज स्पीड ऑफ अ वॉकिंग मैन एक आम शख्स जो कि पैदल चलता है तो उसकी क्या स्पीड होती है बच्चों तो उसकी स्पीड तकरीबन पांच से 6 किलोमीटर पर आवर होती है ठीक है वर्ड ग्रेविटास हाँ भाई ग्रेविटास वर्ड ऑब्वियसली आपको पता होगा अंदाजा होगा कि निकला होगा ग्रेविटी से और ग्रेविटी का ताल्लुक यहाँ पर बॉडी से नहीं नजर आता मोशन से नजर नहीं आता स्पीड से नजर नहीं आता ग्रेविटी जो है बेसिकली एक फोर्स है ठीक है जैसे हमारे पास वेट एक फोर्स है तो लिहाजा यहाँ पर ग्रेविटास जो है बच्चों ये शो करेगा वेट को ठीक है ग्रेविटी को याद रखो ग्रेविटी एक फोर्स है ना हमने वेट का फॉर्मूला पढ़ रखा है W is equal to MG, जिसके अंदर आती है है बेसिकली ठीक आगे बढ़ते हैं बहुत देखो MCQ है बच्चों आपने देखा होगा खासतौर पर यकीन बॉयज को बहुत ज्यादा शौक होगा अक्सर कभी आपने जो है वो रेसिंग कार्स देखी होंगी तो आप मुझे बताएं कि कौन सी गाड़ी की रफ्तार ज्यादा होगी अगर हम इंक्रीज कर दें गाड़ी की हाइट को यानी कि गाड़ी को ऊंचा कर दें बस की तरह तो क्या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्या उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी नहीं देखें आप बस में और कार में यही तो फर्क है बस ज्यादा तेज नहीं चल सकती क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा होती है अगर वो एकदम से ड्रिफ्ट करेगी एक कट लगेगा और वो उसका चांस होगा कि वो टॉपल हो जाएगी यानी कि उलट जाएगी लेकिन कार का उलटना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि उसकी हाइट कम होती है तो ये ऑप्शन गलत हो गया रेजिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा डिक्रीजिंग इट्स तो अगर हम गाड़ी को पतला कर दें तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी बिल्कुल भी नहीं जितना ज्यादा पतला करेंगे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो लास्ट ऑप्शन इज लोवरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ज्यादा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम कम कर देंगे यानी कि आपने देखा होगा रेसिंग कार हमेशा रोड के साथ बिल्कुल चिपक कर चलती हैं सब ने ये देखा होगा ठीक है क्यों ताकि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वो बहुत 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 करीब आ जाए बहुत नीचे आ जाए तो उसका जो है बच्चों पलटने का चांस ना होने के बराबर होता है इसका मतलब यह है कि वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है नेक्स्ट इज नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल फ्यूल सनलाइट तो फॉसिल हो नहीं सकती यूरेनियम एक एलिमेंट है बायोमास फॉसिल नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड जरूर है कोल ऑर्गेनिक भी है और फॉसिल फ्यूल भी है फॉसिल फ्यूल, फ्यूल जो हमें जमीन के अंदर से मिलता है 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से तरह का एक एमसीक्यू जरूर आपके पेपर में आ सकता है तो बच्चों आपने याद रखना है जब भी आपने डिग्री सेल्सियस से फेर हाइट में जाना है तो फॉर्मूला नोट कर लो फॉर्मूला होता है जो भी सी की वैल्यू दी है इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.8 के साथ जो जवाब आएगा उसमें 32 ऐड कर दोगे सो योर आंसर वुड बी 122 हंड्रेड इसको करके मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा यस सर हमने इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर वन ट्वेंटी टू फेर आ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर हाँ भाई पास्कल प्रेशर का यूनिट है बार प्रेशर है एटमोस्फियर है लेकिन न्यूटन प्रेशर का यूनिट नहीं है बल्कि न्यूटन किसका यूनिट है कमेंट में बताइएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ योर सॉइल इज एट हंड्रेड टेन जूस पर के जी केल्विन ठीक है दिस इज योर परफेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर बुक वैसे तो ये चेंज होता रहता है Soil की कंडीशन पे डिपेंड करता है बट आपके बुक में गिवन है, तो आपने इसी को याद करना है दो रिएक्शन है बच्चों और फिजन फ्यूजन न्यूक्लियस का जोड़ना फिजन न्यूक्लियस का टूटना तो न्यूक्लियस की बात आई है तो ऑब्वियसली फिर कौन सी एनर्जी होगी न्यूक्लियर एनर्जी होगी द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ प्योर लिक्विड बॉयल्स हाँ भाई

तो ये जो बॉडी के अंदर एक खासियत है इसे हम क्या कहते हैं इसे हम एनशे कहते हैं जिसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है सो वी आर डन विद एमसीक्यूज बच्चों उम्मीद है कि इनसे आपकी काफी हेल्प हुई होगी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को और साथ साथ हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को सी इन द नेक्स्ट वीडियो विश वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम अल्लाह हाफिज